हेलो फ्रेंड्स, चाइनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। चलिए आज हमारे एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाते हैं गोभी मसाला। फुल गोभी जो कि ग्रेवी करके पंजाबी सब्जी की तरह बनाएंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से, और जल्दी बन जाएगा। इंग्रेडिएंट्स दोनों ही लैंग्वेज में है ताकि सबको इजी रहे नोट डाउन करने में। सबसे पहले एक बर्तन में 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें एक बड़ा बॉल जितना गोभी डालेंगे। लगभग 150 ग्राम जितना लिया है मैंने यहाँ। गोभी को फ्राई करेंगे जब तक कि वो आधा पक ना जाए। गोभी पक रहा है तब तक हमारे मसाले के पेस्ट रेडी करने हैं, जिसमें हम लेंगे 6 लहसुन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टमाटर, आधे टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे मिक्सी में। ये देखिए तैयार है। अब चलते हैं हम हमारे गोभी की तरफ। देखिए ये आधा पक चुका है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब फिर उसी बर्तन में चुटकी भर हींग डालेंगे। फिर हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे, सॉटे करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। और फिर तला हुआ गोभी डालेंगे। फिर तकरीबन 5 मिनट तक पकने दें। अब इसमें पड़ेगा करी पत्ते का पाउडर आधा टीस्पून, जो मैंने घर पर ही बनाया है। करी पत्ते को ओवन में सुखा कर फिर पेस्ट बनाकर और मुट्ठी भर हरा लहसुन डालेंगे। सर्दियों की सीजन है तो हरा लहसुन इजीली अवेलेबल है, तो ये डालेंगे जिससे हमारी सब्जी में स्वाद और निखर कर आ जाएगा। देखिए ये सब्जी लगभग पक चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते से। लीजिए तैयार है हमारा गोभी मसाला। गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए और अपने घर वालों को खुश करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए हुए बेल आइकन को टैप कीजिए।